हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं सैम अंसारी छेटियार। मैं हर बार की तरह छेटियार के फॉरेस्ट में यहाँ सांप को रिलीज़ करने आया हूँ। आज मैंने एक ब्राह्मण सांप पकड़ा है, काफ़ी बड़ा, जिसे मैं यहाँ पर छोड़ने आया हूँ छेटियार के फॉरेस्ट में। और ये हमारे दीपक भाई, जिनका भी इनका इन्होंने हाल फिलहाल में ही चैनल चलाया है, रेस्क्यू रेंजर नाम है उसका। तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब करें और हमारे दीपक भाई को सपोर्ट करें। कुछ बात हमारे दीपक भाई कहना चाहेंगे आपसे? हाँ, ये हमने कल एक बिजली घर में घुसा हुआ सांप था, जिसे हम धामन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको रेड स्नैक बोल देंगे। और साइंटिफिक नेम इसका होता है पटियास मुकोसा। ये लगभग 2 से 2.5 मीटर का बहुत ही लंबा और एग्रेसिव सांप है, जैसे मैं चाहता हूँ पहले सलमान भाई खोल के दिखाएं। ये देखिए आकार है, इंडियन बर्ड्स में जो कि काफ़ी बिग साइज में है और काफ़ी बड़ा है, और ये और सांपों से ज़्यादा ताकतवर है। जो हल्के फुल्के जो सांप होते हैं, जैसे कोबरा वगैरह हो गए, और इनकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी होती है, इनकी जकड़ अच्छी होती है। या आपके हाथ पे या पैरों पे अगर जकड़ लें तो छुटाना मुश्किल हो जाता है। इंडियन रेड स्नेक को हम आप कह सकते हैं कि यह भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से इसको क्षेत्रीय भाषा में घोड़ा पछाड़ सांप भी कहा जाता है। इसके बारे में कई मिथक हैं, जैसे कि ये गाय या भैंस के पाँव पर लिपटकर उसका दूध पी लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें मिथक होती है, कहानियाँ हैं, ये सब भ्रांतियाँ हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं। आप इंडियन रेड स्नेक का साइज़ देख सकते हैं आप, ये एक फीमेल है। और हमने इसके बारे में इसको देखा था तो ये फीमेल है, ये मादा सांप है जो बहुत ही इस समय गुस्से में है, क्योंकि आपको एक नर और मादा की आपको एक पहचान में बताना चाहूँगा कि जो नर सांप होते हैं उनका कलर धामन सांप है थोड़ा डार्क हो जाता है, थोड़ा ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्के कोबरा की तरह लगते हैं। और ये बेचारे शरीफ सांप जो किसानों के दोस्त कहलाए जाते हैं, ये अपने एग्रेशन की वजह से मारे जाते हैं। गुस्से में खुद को बचाने के लिए कई बार ये अपने हुड के पास, अपने मुँह के पास से अपने चेहरे फुला करके अपना फन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे बोलते हैं नकली फन। इसकी वजह से लोग इसे अज्ञानता में कोबरा समझ लेते हैं और मार देते हैं। तो ऐसा ना करें, धामन या अन्य किसी भी सांप को ना मारा जाए। धामन हमारे प्रकृति के लिए और किसी हर कोई सांप हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रकृति को संतुलित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इको सिस्टम को संतुलित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह की ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा गहन जानकारी वन्य जीवों के बारे में मैं आपको मेरे चैनल में ले सकते हैं। मेरा चैनल है जो हाल ही में मैंने शुरू किया है, रेस्क्यू रेंजर, उसका लिंक आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सलमान भाई के चैनल की तरह ज़्यादा ज़्यादा प्यार देंगे, उसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जानकारी आओगे। और हाँ, हम लोग कालागढ़ सब डिवीज़न वन प्रभाग के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और आपके घर में, आवास में, दुकान में, कहीं भी किसी प्रकार का कोई सांप, कोई वन्यजीव घायल अवस्था में या फंसी अवस्था में मिलता है तो तुरंत हमारे नंबर पर जो आपको डिस्प्ले पर शो होगा उस नंबर पर फ़ोन करें। और सुबह, रात को या किसी भी समय, रात के टाइम या सुबह के टाइम, कभी भी जब भी आपको लगता है कि कोई जीव मुसीबत में है तो हमें कभी फ़ोन कर सकते हैं। हम 24 घंटे इन बेजुबानों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इस चैनल को, हमारे सैम अंसारी छेटियार को भी सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों, और शेयर कर दें ताकि आप लोगों को हम जानकारी और ज़्यादा जानवरों की दे सकें। और बाकी थोड़ी जानकारी इसके बारे में सलमान भाई देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस सांप के लिए कि ये और सांपों से काफ़ी अच्छा और सीधा सांप होता है, और ये अक्सर घरों में हमारे और आपके घरों में ये चूहे मेंढकों के चक्कर में घरों में आ जाते हैं, और इसे लोग काफ़ी भयंकर सांप समझकर और तगड़ा इसकी हाइट वाइट देखकर, इसका वेट वेट देखकर डर के मारे लोग इसे मार देते हैं। तो इन्हें मारा ना जाए,
और आपके घरों में कहीं पर भी हों तो जैसा कि दीपक भाई ने बताया कि तुरंत आपको डिस्प्ले पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें कॉल करें, हम समय करते फ़ौरन वहाँ पर पहुँचेंगे सांप को रेस्क्यू कर लाकर सिटी फॉरेस्ट में हम अपने रिलीज़ कर देंगे। और ये कहा जाता है इसके लिए कि कांटा होता है इसमें, कि अगर ये कांटा मार दे तो हाथ पैर गलने शुरू हो जाते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये मनगढ़ंत कहानी है, तो ये सोच कर इसको बिल्कुल भी ना मारा जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इसकी पूँछ में कांटा होता है, इसे मार देना चाहिए नहीं तो शरीर गलने लग जाता अगर ये कांटा मार दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी काफ़ी देख सकते हैं ये अग्रेसिव तो है, कह रही है, देख रहे हैं आप इसे, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आप देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, और ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको हम अब जंगल में रिलीज कर देते हैं जाने के लिए कि ये चला जाए अपने पर्यावरण में। और देखिए अब जा रहा है ये, तो मैं चलते चलते आपसे हर बार की तरह एक ये बात कहूँगा कि पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। और ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते आते हमारी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।